क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए अबू धाबी में क्वालिफायर मैच खेले जा रहे हैं। इन मुकाबलों में 14 टीमें एक दूसरे से लोहा ले रही हैं। इसी कड़ी में कनाडा और नाइजीरिया के बीच भी मुकाबला हुआ, जिसमें कनाडा की 50 रनों से बड़ी जीत मिली। हालांकि इस मुकाबले में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से कुछ देर के लिए मैच को रोकना पड़ा। ये घटना इतनी मजेदार थी कि अंपायर, खिलाड़ी और मैदान पर बैठे दर्शक पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगे, क्योंकि बल्लेबाज अचानक मैदान से भाग गया और अपनी पैंट उतारते कैमरे में कैप्चर हो गया। हम आपको इस मजेदार घटना का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। दरअसल लक्ष्य का पीछा कर रही नाइजीरिया की टीम के बल्लेबाज सुलेमान रुनसेवे अचानक मैच छोड़कर मैदान से बाहर भाग गए। ये घटना 8वें ओवर में हुई। अंपायर और विपक्षी टीम के खिलाड़ी भी सकते में आ गए कि आखिर सुलेमान भागे क्यों। काफी देर तक सुलेमान नहीं लौटे तो कप्तान खुद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जाने लगे, लेकिन फिर अचानक सुलेमान मैदान की तरफ वापस आते हुए दिखाई दिए। दरअसल सुलेमान के अचानक मैदान से बाहर भागने की वजह टॉयलेट थी। बल्लेबाजी के दौरान सुलेमान को अचानक टॉयलेट आ गई और वो किसी को भी कुछ भी बिना बताए मैदान छोड़कर भाग गए। बाद में उन्हें अपना थाई पैड सही करते और पैंट ऊपर करते हुए कैमरे में देखा गया। अब ये घटना इतनी मजेदार थी कि हर कोई हंसने को मजबूर हो गया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर देखा जा रहा है और अगर आपको भी ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।